नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी से रिलेटेड। हालांकि सऊदी आपको पता भाई बहुत भयंकर तरीके से हर मुझे लगता है दूसरे तीसरे दिन कुछ न कुछ नियम निकालता रहता है। जी हाँ, और इसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं सरकार की कंट्री के सेफ्टी के बारे में, आप लोगों की सेफ्टी के लिए कानून, हालांकि जो सरकार निकालती है अच्छे के लिए निकालती है, उसमें हो सकता है अपने को थोड़े टाइम के लिए वो अच्छे नहीं लगे। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो अपने को लगता है यार अच्छे नहीं है, जैसे वीजा स्टॉप कर देना, फ्लाइट स्टॉप कर देना, लेकिन वो उनके हिसाब से सही है क्योंकि अपने लोगों की सुरक्षा करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसलिए बाहर वाले लोगों को स्टॉप कर देते हैं ताकि बाहर से कोई कोरोना ना आ सके। आज हम बात कर लेते हैं, सऊदी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है कंपनियों के लिए। जी हाँ साथियों, आप बहुत सारे वर्कर हैं, लाखों की संख्या में है जो सऊदी अरबिया में रहते हुए कंपनियों में जॉब करते हैं, लेकिन आप आमतौर पे बहुत सारी जगह ऐसे देखने को मिलता है कि कंपनियों में आपको टाइम पे ड्रेस नहीं मिलती है पहनने को, कपड़ा हमारे राजस्थान में उसको डांगरी बोलते हैं, या फिर जूते शूज वगैरह नहीं मिलते, हेलमेट वगैरह या फिर ग्लव्स आंखों के लिए, ऐसे आपके लेबर वर्क के लिए, जो लेबरों के लिए जो मूलभूत सुविधा होती है काम करने के लिए, वो कई जगह कंपनियां लापरवाही कर लेती हैं, या फिर वो कपड़े फट जाते हैं तो आपको देते नहीं है, या छोटी मोटी कंपनियों में तो नॉर्मल आप अपने ही कपड़े पहन के वहां पे काम करते होंगे, आप सबको बताइए। इससे रिलेटेड सऊदी सरकार ने कंपनियों के खिलाफ एक अच्छा कानून बना दिया है। अगर इसका कंपनी मतलब गलत करेगी या फिर उनको उल्लंघन करेगी तो उसका जुर्माना भारी तौर पे उसको भरना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, इसमें देखिए मैं बता दूं, सरकार ने कारण यही है कि सऊदी का जो लेबर लॉ है 38, जी हाँ साथियों, उसमें प्रावधान किया गया है कि भाई ये लेबरों से रिलेटेड जो भी मूलभूत आवश्यकता है ये होनी चाहिए। इसका क्या रीजन बताया सरकार ने कि भाई एक तो आप ड्रेस पहनोगे तो कंपनी की पहचान होती है कि भाई आप फलानी कंपनी के हो। अलग अलग कंपनियों के होते हैं जिसमें पीछे नाम होता है, आगे लोगो होता है, तो आपकी एक पहचान होती है। कर्मचारी की भी पहचान होती है, कपड़ा पहनते तो भाई ये फलानी कंपनी का है, या ड्रेस पहनने से आपने देखा होगा स्कूल में ड्रेस पहनने का क्या मतलब है, वो पहचान है कि ये स्टूडेंट है फलानी स्कूल का। ठीक है, बंदे एक ही ड्रेस में सब जगह एक ही साथ काम करते तो अच्छा लगता है देखने में, सुंदर माहौल बनता है। अलग अलग ड्रेस पहनते हैं तो वो थोड़ा सा अटपटा महसूस होता है। जी हाँ, एक रूपता दिखती है कि भाई एक जगह 10, 5 हजार, 7 हजार, 1,500 लोग मजदूर काम कर रहे हैं एक ही ड्रेस में सेम है, तो देखने में अच्छा लगता है, एक रूपता उसमें दिखने को मिलती है। जी हाँ, और मेन रीजन है सेफ्टी का। जी हाँ साथियों, सेफ्टी होना जरूरी है, सेफ्टी के बिना आप काम नहीं कर सकते, ये सऊदी का लेबर लॉ भी बोलता है। अगर कंपनी आपको ये चीजें प्रोवाइड नहीं करती हैं तो कंपनी के ऊपर आप दबाव दे सकते हैं, कंपनी की आप शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ, अब सेफ्टी के नाम पे ड्रेस हो गई, हालांकि अपने नॉर्मल कपड़े अलग होते हैं, जो कंपनी की ड्रेस होती है वो अलग होती है थोड़ी सी मोटे कपड़े की, वो आपकी सुरक्षा के लिए होती है कि भाई नॉर्मली में वो आपके अच्छा मतलब महसूस करे। हेलमेट सिर के ऊपर, आपको पता है ऊंचाई पे काम करते हैं, कुछ भी हो जाए तो हेलमेट होना जरूरी है। सेफ्टी वाले जूते ब्लैक कलर में शूज में आते हैं, वो कंपनी की तरफ से सब प्रोवाइड होते हैं, हाथों के ग्लव्स होते हैं, और भी जो सामान होते हैं जो कंपनी से सेफ्टी से रिलेटेड, वो सब कंपनी को प्रोवाइड करना जरूरी है। अगर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है तो उसको सजा भुगतने के तौर पे, जुर्माने के तौर पे तैयार रहना चाहिए। अगर इसमें कंपनी लापरवाही करती है तो भाई आप ही इनकी शिकायत कर सकते हैं पहले तो आप आराम से। हालांकि ये ऐसा होता नहीं है, लगभग जगह ऐसा मिल जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आती है, तो सेफ्टी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी में जब भी आप काम के लिए जाते हैं, तो कंपनी की जिम्मेदारी है। अब कंपनी ने इस पे थोड़ा सा और फोकस कर दिया है कि भाई कंपनी अगर इन चीजों में लापरवाही करती है तो उसको सजा मिलेगी भारी जुर्माने पे। इससे तो बढ़िया है कंपनी और सजा वहां पे आपको पता है लाखों रियाल में दराम में होता है, तो उससे तो बढ़िया है कि वो आपको ड्रेस ही देते, उतने पैसे में तो आराम से काम निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को, तो इन चीजों को ये आपके लिए अच्छा है। दूसरा, इसमें सऊदी से रिलेटेड एक कानून और आपको जान लेना चाहिए, हालांकि ये कानून आपके हो सकता है थोड़ा बहुत काम आ जाए लेकिन फिर भी आप गलती ना करें। देखिए, हर कानून का, हर देश का एक कानून बना होता है और कानून के हिसाब से हर देश का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है। ठीक है, वो उसकी पहचान होती है, अदर स्टेटों पे अदर कंट्रीज में राष्ट्रीयता के झंडे फ्लैग के नाम से पता लगता है कि भाई ये इंडियन फ्लैग है, ये पाकिस्तानी है, ये सऊदी है, ये कुवैती है, वगैरह वगैरह। तो आपको पता है हर जगह कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, इससे रिलेटेड कानून भी बना होता है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना एक गैर कानूनी इसको माना गया है। अगर आप सऊदी में हैं और सऊदी में रहते हुए हालांकि आप दूसरी कंट्री के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सऊदी के फ्लैग को, झंडे को आप उसको गलत तरीके से उसको यूज ले सकते हैं। बहुत सारी जगह हम देखने हैं, जैसे अब कोई राष्ट्रीय पर्व होता है तो लोग झंडे खरीद लेते हैं, कोई बाइक पे लगाता है, कोई गाड़ी पे लगाता है, कोई हाथ में होता है, फिर वो फेंक देते हैं, इधर नीचे डाल दिया, फाड़ दिया, जला दिया, कचरे में डाल दिया, ऐसा होता है। लेकिन वो देश की शान होती है भाई, उसको आप इस तरह से नहीं कर सकते। अगर आप ये करते हुए पाए गए, आप प्रूफ हो गया कि आपने सऊदी झंडे का, फ्लैग का अपमान किया है,
तो आपको सजा मिलनी तय है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो झंडे का फ्लैग का सम्मान करें, चाहे वो किसी भी देश का हो, जिस खास तौर से आप जिस देश में रहते हो उस देश का फ्लैग का सम्मान करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो इस पे आप गलती न करें भाई, आपके साथ वाला भी अगर कुछ करता है तो उसको समझाएं, वरना तो उसके ऊपर जुर्माना, भारी जुर्माना पड़ जा सकता है, क्योंकि ये कानून सभी देशों में बने होते हैं। इंडिया में भी अगर इंडियन आदमी को झंडे के साथ, अपने फ्लैग के इंडियन फ्लैग के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसके ऊपर सीधा मुकदमा दर्ज होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। तो बस ये आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करनी थी, दो अपडेट थी, दोनों आपके लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।